दोस्तों स्वागत है आपका आओ जाने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मच्छरों को भगाने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, या फिर मच्छरों को मारने का। भाग भी जाएंगे काफ़ी और मर तो अधिकतर जाएंगे दोस्तों। ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ आपको, मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे कि मच्छर मर जाए और आपको काटे ना, और रात को आपको परेशान न करे और आपके मलेरिया डेंगू आदि बीमारी ना हो। इसके लिए मैं आपको रियल बताऊंगा दोस्तों। आपने यूट्यूब में काफ़ी वीडियो देखे होंगे जिसमें बता रखा है देसी नुस्खे से ये करे वो करे, परंतु दोस्तों आजकल के जो मच्छर है डेंगू मच्छर काफ़ी बड़े बड़े मच्छर आने लग गए उनको, उनका इन देसी नुस्खों से कुछ भी असर नहीं होता दोस्तों। मैंने करके देखा है रियल में। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपके सस्ते में भी काम निमट जाएगा दोस्तों। आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं दोस्तों 10-20-30, बस इससे ज़्यादा आपको पैसे लगाने नहीं है। आपको मैं मच्छरों को मारने का सबसे आसान और सरल तरीका बताऊँगा। आपको करना क्या है, जेब में रखने 10 रुपये का नोट और जाना है किसी किराने की दुकान में या फिर जनरल स्टोर की दुकान में जहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा फास्ट कार्ड। आपको दुकानदार से जाके करना है कि आपको एक ऑल आउट या फिर गुड नाइट का फास्ट कार्ड आता है वो दे दीजिए। 10 रुपये में वो आ जाएगा, उसमें आएंगे 10 कार्ड आएंगे दोस्तों, 10 कागज आएंगे, मतलब एक डायरी की तरह होता है ये। इसमें से आपको 4 कागज फाड़ लेने हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको करना क्या है, एक गिलास लेना है और एक सुई लेनी है बड़ी वाली, ठीक है, बड़ी वाली सुई लेनी है, उसमें इन चारों को फंसा देना है, उसके अंदर डाल देना है मतलब, ठीक है, ऐसा करना है। उसके बाद करना क्या है, आपको फंसा के गिलास के ऊपर रख देना है, अगर वो नीचे गिर जाए तो उसके सपोर्ट के लिए कुछ छोटे सा वजन रख दीजिए, ठीक है। फिर करना क्या है, आपको कमरे के अंदर ले जाना है। कमरे के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई आपका कोई बच्चा या फिर कोई घर का सदस्य अंदर नहीं रहना चाहिए, उनको सबको आपको बाहर निकाल देना है और कमरे और खिड़कियाँ बंद कर देना है। और रोशनदान अगर आपका कोई बरामदा है बाहर, तो अगर बाहर कमरे के बाहर कोई पंखा लग रहा है तो उसे बंद कर देना, ये ख्याल जरूर रखना दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, आपको जो आपने मैंने आपको बताया गिलास विलास लेके उनको फंसाना है, तो उसके अंदर सुई के अंदर उसे माचिस से जल्दी से टेक देना। माचिस टेकना है, इसमें वो अपने आप जलने लग जाएगा। ज़्यादा देर तक इसे लगा के नहीं रखना है माचिस को, नहीं तो एकदम ही पूरा जल जाएगा। बस एक बार इसको टच करना है, टच करके हटा देना है, कमरे वमरे बंद करके आपको खुद को भी बाहर आ जाना है। और बाहर का पंखा, कमरे के जो बाहर पंखे लगे रहते हैं बहुत से में, उनको आपको चालू नहीं करना है, तो जो धुआं होगा वो सब धुआं बाहर चले जाएगा, वो पंखा खींच लेगा और अंदर का पंखा ही बंद करना है। सिर्फ आपको देने हैं 15 मिनट दोस्तों, सिर्फ 15 मिनट देने हैं आपको। 15 मिनट में आप देखना मच्छरों के ढेर लग जाएंगे उसकी इस, और उसको 15 मिनट बाद दरवाजे को खोल लेना है, अंदर का पंखा चालू कर देना, इससे बदबू सब बाहर निकल जाए। 10 मिनट बाद आपको अंदर आराम से सो जाना है, सभी मच्छर मर जाएंगे और आपको एक मच्छर भी नहीं काटेगा। आपको दरवाज़ों को बाद में हाथों हाथ बंद कर लेने, तो बाहर का मच्छर जो होगा वो अंदर की तरफ आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही नुस्खे में आपको जो असली नुस्खे हों, असली जो मच्छरों को मारने का रियल तरीका वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो घंटी का निशान है उसे दबाना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप घंटी का निशान दबाओगे तो आप उसके ऊपर आपको ऑल पर क्लिक करना है। अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो अगर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे या उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा, तो इसके लिए घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक लीजिए। ऐसे ही नुस्खे, रियल नुस्खे मैं आपके लिए लाता रहूँगा जो आपको नुकसान भी ना पहुँचा, आपका रियल तरीका बताऊँगा जिससे कि आपको 100% फायदा हो दोस्तों और आपका पैसा कम से कम खर्च हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।